दोस्तों नमस्कार, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 28 मार्च और आज इम्पोर्टेंट जो न्यूज हैं 28 मार्च के उनको देखेंगे। शॉर्ट में चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज है, अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा अंतरिक्ष महाशक्ति बना भारत। देश ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। भारत ने आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया है। एक्चुअल में भारत ने जो है अंतरिक्ष मिशन में कामयाबी हासिल की है, जिसमें भारत ने जो लियो अर्थ ऑर्बिट होता है उसमें सैटेलाइट को मार गिराया है। और एक पूर्ण निर्धारित लक्ष्य था, इस मिशन को सिर्फ 3 मिनट में पूरा किया है। प्रधानमंत्री ने जो है वैज्ञानिकों को बधाई दी है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं दोस्तों। 1 अप्रैल से देश को मिलेगा तीसरा बड़ा बैंक, करोड़ों ग्राहकों को पर पड़ेगा असर। 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने वाली है। इस नए फाइनेंशियल ईयर में बैंकिंग सेक्टर में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इसी बदलाव के तहत 1 अप्रैल से देश में तीसरा नया बैंक जुड़ने वाला है। देश के तीसरे बड़े बैंक के अस्तित्व में आने के साथ ही इसका असर करोड़ों ग्राहकों को पड़ेगा। दरअसल इस साल जनवरी में सरकार ने पब्लिक सेक्टर के 2 बैंकों, देना बैंक और विजय बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय को मंजूरी दी है। इस बैंक के विलय की योजना 1 अप्रैल 2019 से अस्तित्व में आएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, 36 किलोमीटर का माइलेज देने वाली इंडिया की सबसे सस्ती कार 2 व्हीलर के बराबर है कीमत। और जो बजाज कंपनी ने जो है लॉन्च किया, एक सस्ती कार लॉन्च की है इंडिया में। इस साल लॉन्च होने वाली सबसे सस्ती कार बजाज क्विटो लगातार सुर्खियों में है। कंपनी इसे मिड ईयर में लॉन्च कर सकती है। कार की कीमत करीब 1,30,000 रुपये के बराबर बताई जा रही है। बता दें कि रॉयल इनफील्ड क्लासिक की कीमत 1,35,000 रुपये और बजाज इस कीमत पर आपको एक कार दे रही है। इसकी जो कीमत होगी वो 36 किलोमीटर पर हावर होगी। इस कार में एक 216 cc का पेट्रोल इंजन लगा हुआ है। कार की टॉप स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और माना जा रहा है कि CNG और PNG के साथ भी रन करेगी। और इसमें 5 गियर होंगे। अन्य जो फीचर्स हैं आप लोग एक बार पढ़ सकते हो, इसको पढ़ना है तो। नेक्स्ट जो है, पत्नी के बैंक खाते की एक गलती आप पर पड़ सकती है भारी। जुर्माने से बचने के लिए 31 मार्च से पहले निपटा लें ये काम किया है दोस्तों, इसको पढ़ते हैं एक बार। आपकी पत्नी के नाम पर बैंक अकाउंट और पत्नी वर्किंग नहीं है तो आप उस अकाउंट में जमा रकम को इग्नोर करने की गलती नहीं कर सकते। इनकम टैक्स रिटर्न भरने में अगर आप यहाँ अकाउंट डिक्लेयर नहीं करते तो इनकम टैक्स विभाग इन पर छिपाने के मामले में आप पर एक्शन ले सकता है। 31 मार्च इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेडलाइन है। अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपये से अधिक है तो आपको ले रिटर्न फाइल करना जो है ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको स्क्रूटनी और पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा आप डीपली जानना चाहते हैं तो पढ़ सकते हो इसको एक बार। नेक्स्ट न्यूज है, 1 अप्रैल से बदल जाएगी सरकार की पेंशन स्कीम। जाने से जुड़े सभी सवालों के जवाब। नए वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2019 से नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इस स्कीम में खाता खुलवाने वालों को बड़ी छूट मिलेगी। आइए इससे जानते हैं 10 जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में आप लोग एक बार इसको पढ़ सकते हो। जो इम्पोर्टेंट बातें इसकी, 1 अप्रैल 2019 से नेशनल पेंशन स्कीम NPS में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इस स्कीम के तहत खाता खुलवाने वालों को टैक्स के तहत पूरी छूट मिलेगी। सरकार ने NPS और PPF की तरह EEE यानी एग्जेप्ट को दर्जा दिया है। साथ ही NPS के तहत सरकार की ओर से दिया जाने वाला योगदान बढ़ाकर 14% कर दिया है। इससे पहले यहाँ 10% था। हालांकि कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10% ही रहेगा। आपको बता दें कि अब सरकारी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी काम करने वालों को भी अपनी मर्जी से इस योजना में शामिल हो सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी NPS का एक हिस्सा निकाल सकते हैं और बाकी रकम से रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम के लिए एन्युटी ले सकते हैं। आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वारी है तो आप इनको देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे इनके जवाब दिए हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज है, RBI ने तय की बड़ी कंपनियों के लिए बैंक लोन की लिमिट।
एक खबर से, रिजर्व बैंक की एक कंपनी के लिए बैंक लोन की तय ताल में जो है नया नियम लागू किया है। नए रूल्स की वजह से रिलायंस, टाटा, बजाज और आदित्य बिरला ग्रुप की जैसी बड़ी कंपनियां फंड जुटाने के लिए बैंकों के अलावा दूसरे इन बैंकों को जो है दूसरे रास्ते तलाशने होंगे। आरबीआई ने नए नियम के तहत आरबीआई ने नए नियम में कहा कि जिन कंपनियों पर 10,000 करोड़ से अधिक कर्ज है वह उससे ऊपर की 50% रकम का इंतजाम बांड या शेयर बाजार से करें। तो आरबीआई ने जो है शिकंजा कसा है इन कंपनियों पे, जो भी जो है इससे ज़्यादा लोन लेता है उनके लिए जो है ये नियम लागू किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज है, अब से टॉप बॉक्स बदले ही बदल जाएगा आपका केबल ऑपरेटर, जानिए कैसे। केबल ऑपरेटर बदलने की यहाँ सुविधा MNP की तरह काम करेगी। अगर आप भी अपने केबल प्रोवाइडर की सर्विस से परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। अब जल्द ही मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के तहत आप अपने DTH सर्विस प्रोवाइडर को बदल सकते हैं। यहाँ जल्द ही टीवी देखने वाले ग्राहक सेट टॉप बॉक्स बिना अपने DTH या केबल सर्विस प्रोवाइडर को बदल सकेंगे। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के चेयरमैन आर शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी। शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले कई सालों से हम सेट टॉप बॉक्स को सभी DTH और केबल सर्विस प्रोवाइडर के बीच काम करने लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केबल ऑपरेटर बदलने की यहाँ सुविधा MNP की तरह काम करेगी, इसके बारे में जो है हल्का सा डिटेल में लिखा है, आप लोग पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हो। गरीबों को हर साल 1,00,000 से ज्यादा रुपए देती है मोदी सरकार, ये जो है जेटली ने कहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़ परिवारों को वार्षिक 72,000 रुपये देने के कांग्रेस के वादे पर सोमवार को तीखे पीर के व्यक्ति होते हुए कहा कि मोदी सरकार विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाओं के जरिए गरीबों को हर साल 1,00,000 से ज़्यादा रुपए दे रही है। सरकार ने अपने जो है व्याख्यान में कहा है ये, बाकी ये तो भगवान ही जाने क्या होता है और कहाँ जो है पैसा जाता है ये। इसी के साथ दोस्तों आज के जो प्रमुख समाचार से खत्म होते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।